से महत्वपूर्ण खबर, भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची का सभी को इंतजार है, लेकिन ऐसे में सवाल ये कि क्या आज पीएम मोदी के दौरे के बाद पहली सूची जारी हो जाएगी या फिर 5 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल 5 अक्टूबर को पीएम मोदी जो है वो जोधपुर में सभा करेंगे और जोधपुर दौरे के बाद क्या ये सूची जारी होगी इसकी भी चर्चा हो रही है। इसी बीच प्रदेश के दिग्गज नेताओं के दिल्ली आवास पर उम्मीदवार जुट रहे हैं। प्रहलाद जोशी और ओम बिरला के निवास पर आज कई उम्मीदवार पहुंचे। सूची जारी होने तक उम्मीदवारों को उम्मीद भी है, अंतिम समय तक अपनी जो कोशिश है वो जारी रखना चाहते हैं। आपको बता दें कल दिल्ली में चुनाव पर बीजेपी का महामंथन हुआ है। सहयोगी निजाम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर रहे हैं और उनसे जानेंगे क्या कुछ अटकलें जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। निजाम, बताया जा रहा है कि देखिए सूची का कब से इंतजार है, पहली सूची का, आज ये सूची जारी हो सकती है या फिर 5 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री जोधपुर का दौरा कर लेंगे, वहां पर सभा कर लेंगे और उसके बाद फिर सूची जारी होगी। अटकलें लगातार यहाँ पर सुनाई पड़ रही हैं, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अंकुर, देखिए कि जिस तरह से कल देर रात जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और चुनाव समिति की जब बैठक होने के बाद भी जब सभी लोग अगर कहें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोग निकल गए थे जो कोर कमेटी के सदस्य थे, उसके बाद भी करीब आधे घंटे तक कहें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जो हैं लगातार और बैठे रहे और इस बात में चर्चा करते रहे। तो जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कल कि 67 यानी 67 सीटों पर राजस्थान विधानसभा की जो बीजेपी की पहले प्रत्याशियों की सूची कोर कमेटी की ओर से दी गई थी उस पर कल देर रात मंथन हुआ और माना जा रहा, उसमें 42 सीटें जिन पे की सिंगल नाम थे उनमें से 38 सीटें जो हैं कहा जा रहा है कि पहले ही जो मीटिंग हुई और मीटिंग के शुरुआती चरण में ही 38 नामों के जो है क्लियर एक तरह से मोहर लगा दी गई। बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही थी 19 उन सीटों की जो कि डी कैटेगरी की है और वहां पे लगातार 3 से ज्यादा बार जो है बीजेपी लगातार हार रही है और उनमें भी 19 सीटों में ऐसी 2 सीटें जो ऐसी हैं जो पैच फंस गया था, कोटपुतली और बस्सी जो ऐसी हैं। कोटपुतली पे जो सुखबीर जौनपुरिया है सांसद उनको चुनाव लड़ाने जाने की बात कही थी, एक मुकेश गोयल है, इसके साथ ही 2 और लोगों के नाम रहे थे लेकिन 3 का पैनल था, जौनपुरिया ने वहां से पहले हाथ खींच लिया था। इसी तरीके से अगर बात करें तो बस्सी का भी मामला पछता रहा था। तो माना यह जा रहा है कि अभी जो ये जो पहली सूची है उसमें करीब 48 से 54 जो नाम है वो फाइनल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात महत्वपूर्ण बात करें 67 तो नाम रखे गए सीटों पर चर्चा हुई लेकिन माना जा रहा है कि ये जो सूची है जिसमें पहले ही सिरे से 38 लोगों के नाम फाइनल कर दिए गए लेकिन ये सूची में 48 से 54 लोग हो सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी चीज का है तो वो है कि क्या आज जारी होगी या 5 अक्टूबर को ये जारी होगी। पहले कहा जा रहा था कि चूंकि पितृपक्ष है और 15 दिन इंतजार नहीं किया जा सकता और ये पितृपक्ष के बाद जारी होगी लेकिन उन चर्चाओं में कोई दहम नहीं क्योंकि केवल अफवाहें मानी जा रही है क्योंकि अरुण सिंह जी कल जब हमसे अनौपचारिक बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि 1-2 दिन में हम जारी कर देंगे। अभी हम लोग मौजूद है अगर कहें प्रहलाद जोशी के, ये कुछ ही मिनटों पहले हमारे साथ निकले हैं यहाँ से और जो कह सकते हैं कि पार्टी के दिग्गज नेताओं से ही अब बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे क्योंकि आज जो माना जा रहा है कि आज शाम तक जो है पहली सूची की कवायद अगर हुई तो आज जारी की जा सकती, नहीं तो अंतिम रूप से अगर कहें तो 5 अक्टूबर जो है कहेंगे पीएम मोदी का जो जोधपुर दौरा है उसके बाद जारी हो सकती है लेकिन ज्यादा संभावनाएं जो पहली सूची जो है वो जारी की जा सकती है। इसी बीच ये भी जो है जानकारी मिल रही है कि जो कैंडिडेट्स के दावेदार हैं वो जो है वो दिग्गज नेताओं के दिल्ली आवास पर पहुंच रहे हैं, प्रहलाद जोशी के आवास पर भी, इसके साथ ही ओम बिरला से मिलने के लिए भी कुछ वहां पर कैंडिडेट जो उम्मीदवार है वो पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन से उम्मीदवार वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की है? देखिए सबसे ज़्यादा जो जिस तरीके से जो कहा जा रहा 67 सीटों की, कल भी हम लोगों ने दिन भर देखा कि किस तरह से प्रहलाद जोशी के निवास पे हो, चाहे अरुण सिंह जी के निवास पे हो, चाहे ओम बिरला हो, चाहे सभी के जो राजस्थान से जुड़े दिग्गज नेता हैं और चाहे प्रभारी हो, उन सभी सीपी जोशी के निवास पे भी कल बहुत ज़्यादा स्थिति ये रही कि थोड़ी थोड़ी देर में जाम लग जाता था उनके घर के बाहर, यही हालात प्रहलाद जोशी के यहाँ रही। लेकिन आज जो स्थितियाँ और भी हैं, इसके बावजूद कि जो रात को मंथन हो चुका है, आप देखो मेरे संजय साथी दिखाएंगे कि अभी भी जो है कहीं जो कह सकते हैं
राजस्थान के नेता जो हैं प्रहलाद जोशी के निवास के अंदर भी अभी तक वक्त लिए हुए हैं और उनसे मिलने का टाइम मांगा हुआ है। अभी करीब कह सकते हैं 12 से 13 जो राजस्थान के कुछ MLA और कुछ जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो यहाँ प्रहलाद जोशी के निवास पर हैं। इसके साथ ही आज सुबह ही जो है ओम बिरला के निवास पर भी जो है कई दिग्गज नेता पहुँचे हुए हैं, अगर विधायक हैं खासतौर से। अगर जो नाम आए, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 केंद्रीय मंत्री और 6 से 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, उसके बाद भी जहां जहां से, जैसे कि खासतौर से अगर बात करें केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन राम मेघवाल हैं उनको लेकर जो अटकलें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं कि उनको जो है बीकानेर के अनूप कहें तो अनूपगढ़ जो है उनका लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा सीट है वहां से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो जिसके जैसे ही ये चर्चाएं शुरू हुई, अनूपगढ़ विधायक जो संतोष बावरी हैं वो पिछले 2 दिन से यहाँ डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन वो अपना पक्ष रखने के लिए लगातार जो है राजस्थान और जो नेता है उनसे मिलने की कोशिश कर रही है। निजाम, इसी बीच एक और अटकलें जो है वो सामने आए हैं, यहाँ पर चर्चा ये भी कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनकी सीट को लेकर भी यहाँ पर बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं जहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनके वो जिस सीट से लड़ते हैं उनके सामने हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारा जाए मैदान में, ये भी चर्चाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए अंकुर, हम इस चीज़ को हम लगातार कह रहे हैं और शुरुआत ही हमने कहा था कि राजस्थान जो है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वो एक तरह से सांसदों को, सबसे ज़्यादा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए राजस्थान जो है पहला राज्य हो सकता है। इससे पहले देखिए मध्य प्रदेश में जरूर 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, लेकिन यहाँ पर 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 6 से 7 सांसदों को जो है चुनावी मैदान में उतारने की कवायद की जा रही है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कैलाश चौधरी का तो लगभग माना जा रहा है कि जो पहली सूची है उसमें उनका नाम बाड़मेर से जारी भी हो सकता है, क्योंकि उनका जो पैनल बनाया गया था कोर कमेटी की ओर से उनका नाम 2 जगह से, बायतू विधानसभा सीट से और इसके साथ ही बाड़मेर से उनके नाम जो है यहाँ भेजे गए, यानी कि दोनों में से एक सीट पे उनको चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना है उनकी बाड़मेर से पूर्व से लड़ाने की है। दूसरी तरफ जो है अगर कहें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जो है उनकी लोकसभा सीट की बात करें तो सरदारपुरा, चूंकि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बीजेपी हर तरह से घेरना चाहेगी तो सरदारपुरा पे उनको उतारा जा सकता है। तो तीसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मेघवाल है उनके लिए बीकानेर के साथ ही अगर बात करें तो अनूपगढ़ पे ज्यादा संभावना है कि उनको वहां से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि बीजेपी ये चाहती है कि अर्जुन राम मेघवाल सीएम पद के भी दावेदार की तरह देखे जा रहे हैं, तो जो SC ST वर्ग में है उनसे उनको वोट प्रतिशत में भी ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल निजाम, तो देखिए चर्चाएं बिल्कुल जो है सियासत जो यहाँ पर गर्म है चर्चाओं को लेकर, तो ठीक है इंतजार रहेगा कि कब पहली सूची जारी होती है और कब जो पहला पत्ता है बीजेपी का वो खुलता नजर आता है। ठीक है निजाम, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।